हेलो गाइस, थोड़ा थोड़ी गाइस हमारा ये ऐसे ही हंसता रहता है और हम अपने काम में लगे रहे। तो हम लोग अब ऑटो से जाएंगे। वही देखिए, मैंने मंगाई है पाव भाजी, मेरी बहन का है ये पाव, जो मेरा है जो मेरा। गाइस आज जो बिग बॉस में टैक्स हुआ था ना, जिसमें विशाल, रणवीर और शिवानी कुमारी ने पार्टिसिपेट। हेलो गाइस, थोड़ा थोड़ी गाइस, फ्रेंड चला गया था, मैंने सोचा मैं वापस ले आऊँ। ओ गाइस, मॉर्निंग वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाना से स्टार्ट। आज मैंने फिर से रोड से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, और कभी रोड से, कभी घर से, कभी छत से, कभी दुकान से, इसलिए स्टार्टिंग करती हूँ अपनी ब्लॉग की, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो लोग माने हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं मड़ई, तो मड़ई इधर से उधर जा आ रहे हैं और हम भी अपनी दुकान जा रहे हैं। और मड़ई सुबह देख देख के मुस्कुरा रहा है मुझे ब्लॉगिंग करता हुआ देख के। अब मुझे, मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई हंसे या देगी या कुछ भी। तो मड़ई ऐसे ही हंसता रहता है और हम अपने काम में लगे रहते हैं। और इधर मेरी बहन आ रही है और मम्मी आ रही है, और मेरा ब्लॉग ज़्यादा बड़ा रह जाए इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे सारा प्यार देते रहोगे ऐसे ही, तो एक ना एक दिन मैं आप लोगों को अपनी सारी स्टोरी बताऊँगी, आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। और कल वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारी थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं दुकान में। तो हम लोग अब ऑटो से जाएंगे। ये है हमारे भाई साहब, ऑटो में हम लोग जाएंगे। हेलो गाइस, आड़ो में बाइस गाइस। तो गाइस दुकान में आ चुके हैं और चले गए, तो थोड़ा सा सामान लेना था ड्रेस बनाने के लिए, तो सामान भी लेके आ गए हैं। और आते बराबर मैंने थ्रेडिंग भी कर दी है। अब यहाँ पर मेरी बहन चाइना भी लगा रही है, ब्लाउज भी मैंने बना के दे दिया। क्या कर रही हो? तो यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग हो गई है, अब मैं इसे सिल लेती हूँ। जैसे बना रही सारी सी इंतर में कौन नहीं बना पाता है, बस पाता रही कह देती हूँ। गुड इवनिंग गाइस। तो अभी मैंने कई सारे कपड़े अल्टरनेट कर दिए हैं, और कुछ कपड़े घर के बनाने थे तो पुराने कपड़े बनाती रह गई, आईब्रोज करती रह गई। आज मैंने कुछ काम किया ही नहीं, तो आज का काम बस ये एक ब्लाउज है। आज मैंने सिर्फ ये एक ब्लाउज बनाया है, और बस दिन भर आईब्रोज करती रह गई। और कभी किसी का कपड़ा अल्टरनेट करना है तो ऐसे इसी कामों में लगी रह गई। तो अभी इसे कम्प्लीट कर लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस आज जो बिग बॉस में टैक्स हुआ था ना, जिसमें विशाल, रणवीर और शिवानी कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें विशाल जीत गया। लेकिन मेरी नज़रों में तो शिवानी जीतनी चाहिए थी, और शिवानी कुमारी जीत भी जाती, लेकिन वो देहात से है तो देहात में ज़्यादा लोग लाइव नहीं देखते। हम लोग भी लाइव नहीं देख रहे थे, वरना हम तो पक्का शिवानी कुमारी को सपोर्ट करते। तो हम लोग लाइव नहीं देख पाते हैं कुछ रीज़न की वजह से, मतलब टाइम ही नहीं रहता हम लोग घर, हम लोगों के घर पहुँचने के बाद टाइम ही नहीं मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग भी नहीं सपोर्ट कर पाए। और भी न जाने कितने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वरना शिवानी कुमारी जीतती। बल्कि विशाल की जो पब्लिक है वो सारी ऑनलाइन रही होगी उस टाइम, और लाइव देख रही होगी, इसलिए उन्होंने शिवानी कुमारी को ना करके विशाल को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से विशाल जीता, वरना शिवानी कुमारी जीती थी। शिवानी कुमारी अब बहुत अच्छा खेल रही है, पहले जैसे खेलती थी कि ना गुरु जी हमने गेट ना तोड़ो टेप ने तोड़ो, वही शिवानी सीख गई थी कि ना ही हमने ये चेक नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन अब शिवानी कुमारी को अगर उसकी गलती का आज जैसे पॉलिमी जी सिखा रही थी कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं बोला जाता ऐसे, तो शिवानी कुमारी कहते हाँ हमारे यहाँ ऐसे बोलते तो हम ऐसे समझते, तो वो अब एक्सेप्ट कर रही है। तो शिवानी कुमारी ऐसे ही खेलो, अच्छा खेल रही थी, आज का तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ही खेलते रहो, आगे तक जाओगे। गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक। वही देखिए,
मैंने मंगाई है पाव भाजी, मेरी बहन का है ये पाव, जो मेरा है, जो मेरा है। गाइस ले लीजिए एक एक बाइट। गाइस मैं ले रही हूँ बाइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। टेम्पू है, टेम्पू तो मजा पास है, दोनों का लाजवाब टेस्ट, लाजवाब अच्छा बना था, छोटा सा बच्चा है।